आज एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कार आपको दिख रही है, कार के ऊपर आपको प्रॉपर एक सेटअप दिख रहा है, ये कैंप है। और आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट है वो हिल स्टेशन पे जाना तो पसंद करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या पसंद करता है, ट्रैकिंग। अलग अलग हिल स्टेशन पर जाके कैंप्स में रहना एक अलग सा एडवेंचर होता है टूरिस्ट के लिए। और आज ये जो आप सेटअप देख रहे हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, आई थिंक मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरीके का जो सेटअप है पहली बार देखा है कि कार के ऊपर प्रॉपर एक कैंप लगाया गया है। इसकी तस्वीरें भी मैं आपको अंदर से जरूर दिखाना चाहूंगी, आप बाहर से इसको देख सकते हैं। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करने के लिए इनके जो ऑनर्स हैं, इनके जो जिन्होंने इनको स्टार्ट किया है वो हमारे साथ हैं, लुधियाना से वो बिलोंग करते हैं, ध्रुव शर्मा उनके फादर, संदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए उनकी जो ये कंपनी है, जिस जो स्टार्टअप है वो है travelershome.co.in। यहाँ पे प्रॉपर सेटअप है, यहाँ पे चेयर है और इस कार को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, हमें होटल की प्रॉब्लम आती है, हमें रूम्स नहीं मिलते, रूम्स मिलते हैं तो अच्छे नहीं मिलते, लेकिन अगर इस तरीके का सेटअप आपके पास है तो डेफिनेटली आपका जो टूर है वो इतना एडवेंचरस होने वाला है, इतना माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाते हैं ध्रुव शर्मा और उनके फादर संदीप शर्मा से। हेलो ध्रुव, कैसे हो आप? वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, वेलकम टू हिमाचल, वेलकम टू मनाली। थैंक यू। ध्रुव कैसा लग रहा है, आप लुधियाना से बिलोंग करते हो, इतनी गर्मी है वहाँ तो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आप मनाली पहुँच चुके हो, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है इधर, और ये लाइक इधर हमने कैंपिंग के लिए शो करना था इधर तो okay. इसलिए आपने हमारा सेटअप देखा होगा। ओके, हमारी रूफटॉप टेंट की कंपनी है ट्रेवलर्स होम के नाम से, वो पंजाब में ही है शोरूम हमारे, तो हम ऑल ओवर इंडिया टेंट्स बेचते हैं। और आप ये टेंट अपने इसके क्रॉस बार पे, गाड़ी के क्रॉस बार पे लगवाते हो okay. कैंपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। अंदर 3% का स्पेस है, अंदर 3% आराम से सो सकते हो। ऊपर आपकी रूफ है एक, अगर आपने ऊपर खड़ना है टेंट के वो भी आप खड़ सकते हो ऊपर। चार विंडोज हैं और अगर मॉस्किटोज भी आते हैं उसके लिए हम मॉस्किटो मैश भी लगवा रखे हैं हमने अंदर। फीचर्स के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं, सबसे पहले पूछना चाहेंगे इतना डिफरेंट, इतना यूनिक सा आइडिया माइंड में कैसे आया आपके? मेरे पापा को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, छोटे होते से मैं भी साथ होता था। तो इनका ऑक्सीजन प्लांट का बिजनेस है हमारा पापा का, तो वो पंजाब में ही है। तो पूछते ही कि क्या करना है तूने, मैं कहा वो तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, ऑक्सीजन वगैरह में रोज बैठना ऑफिस वगैरह, घूमने में इंटरेस्टेड, घूमने में पूरे इंटरेस्टेड है। ये कह रहा था मुझे ऐसा काम शुरू करवा के दो कि जिससे मैं घूमता रहूं। अच्छा ओके। तो फिर जो मेरे माइंड में आया कि जो काम जो हम लोग कर रहे हैं तो इसी को ये प्रमोट करें। बिल्कुल। तो ये हमने फिर ये 7 साल लगे इसको डिजाइन करने में। ओके। तो अभी बन के हमारा फाइनल है, लोग हमारे से बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। सर किस तरीके से आपने बताया आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा शौक है, काफी सालों से आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज आपने भी देखी होगी कि आज के टाइम पे जो टूरिस्ट है वो होटल रूम से ज्यादा प्रेफर करता है कि हमें कैंप साइड एरिया मिल जाए, कैंपेनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग, तो आपको लगा कि ये आइडिया इसमें आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कहीं नदी के किनारे आपको पसंद है वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, कोई व्यू आपको अच्छा लगता है वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, और इसमें सोने में इतना मजा आता है इसमें, और बिल्कुल सेफ है, कोई कीड़ा वगैरह कोई मतलब कोई जानवर वगैरह नहीं इसमें आ सकता, आप बिल्कुल सेफ हो। वाटरप्रूफ है और ठंड से पूरी तरीके से बचा के रखते हैं, ठंड से बिल्कुल बचा के रखता है और वाटरप्रूफ है बिल्कुल, अगर ठंड लग रही है तो बिल्कुल एयर टाइट है ये अंदर से। सर और क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर ट्रेवलिंग चेयर भी है जिसको हम इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लैंप भी, मतलब अगर आपको रात को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास लाइट का भी प्रोविजन है, और ये शू बैग भी आप देख सकते हैं, तो मतलब आपने हर एक चीज को माइंड में रखते हुए इस कैंप का जो सेटअप है वो डिजाइन किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। टूरिस्ट को कितना पसंद आ रहा है? बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, और काफी गाड़ियां हमारे से लेके लद्दाख गए हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे होटल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो लोग गाड़ी पे लगा के जा रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं, वो वहाँ पे वेदर का एंजॉय कर रहे हैं। सर एक चीज और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप मनाली आए हैं लुधियाना से, तो अभी आई थिंक आपने तो रूम बुक नहीं करवाया होगा, आप इसी में रहने वाले हैं? हम लोग इसी में रहेंगे। मतलब कहीं भी आप अपनी कार को लेके जा सकते हैं क्योंकि मनाली में इतने डेस्टिनेशंस हैं, और खाना भी हम लोग इधर ही बनाएंगे, वो गैस सिलेंडर है साथ में स्टोव है छोटा सा। एक मिनट सर, मैं बिल्कुल एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, सर का कहना है कि वाओ आप ये देख सकते हैं ये खूबसूरत सी तस्वीरें, गैस स्टोव का साइज कितना नॉर्मल सा प्यारा सा हैंडी सा ये
जला के दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा हाथ। बिल्कुल सर, हाँ जी। ये देखिए, ये गैस सिलेंडर, छोटा सा मिनी गैस सिलेंडर, पॉकेट फ्रेंडली सा ये ऑन हो चुका है और आप अपनी मर्जी से इस पे कुछ भी कुक कर सकते हैं। इसका एक सिलेंडर जो है 4.5-5 घंटे चलता है इसका। ओके, एक सिलेंडर, आप आराम से खाना, हम लोग तो इसमें 6-7-8 लोगों का खाना बना लेते हैं इसी पे। ओके सर, क्या क्या कुक किया अभी तक आपने? हमने सब कुछ कर लेते हैं, जो कैंपिंग का शौक है हमें, दाल चावल रोटी वगैरह सब कुछ इसी पे बनाते हैं हम लोग। मतलब आप तो कह सकते हैं कि इसके मास्टर शेफ भी बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मा से भी अच्छा खाना बनाते हैं। ध्रुव, आपने क्या क्या बनाया अभी तक? मैगी, ऑमलेट? नहीं, मैं खाता ही हूँ, मैं बनाते ही है। अच्छा, बनाते पापा है एंड खाते ध्रुव है, वेरी नाइस। ध्रुव, जो आजकल के यंगस्टर्स की बात करें, आप भी यंगस्टर है, आपको भी ट्रेवलिंग का काफी ज्यादा शौक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कैंपेनिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सब लोगों में बिल्डअप होता जा रहा है, तो इतने सारे फीचर्स आपने बताए और ऐसे क्या फीचर्स है टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इस सेटअप को देखकर? मैम देखो, जैसे अब जून जुलाई में आए हो, सारे फूल थे और महंगे से महंगे होटल, ठीक है, महंगे से महंगे होटल थे, आप ये लेते हो, ठीक है। एक तो रिवर साइड, अगर आपने कहीं भी जाना है रिवर साइड, जो आपकी मनपसंद डेस्टिनेशन है उधर बिल्कुल भूल ही आके, और आपको हम ओनिंग देते हैं उधर, एक आप बाद में दिखा सकते हो, आप एक इसमें चेंजिंग रूम भी साथ में देते हैं हम लोग, कि जैसे चेंजिंग रूम है इस लेडर के साइड में पूरा बंद हो जाता है, ये चेंजिंग रूम बन जाता है। उसको एज ए किचन भी यूज कर सकते हो आप, और साथ में ऑनिंग दी है हमने, ये हमारा वो ये भी नया इंडिया में स्टार्ट किया है, पहला आज पहली बार ही डिस्प्ले लगा है। और इसमें 6-7 आदमी नीचे बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं, अगर बारिश हो धूप हो आप इसमें बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी सी बात होती है, कई बार क्या होता है छोटे छोटे बच्चों को हम साथ लेके आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, होटल के रूम तक जाना उतना वो बियर नहीं कर पाते ट्रेवलिंग, लेकिन एक कार में एक टेंट के अंदर बैठे बैठे सब कुछ ही आपको प्रोवाइड हो रहा है। बिल्कुल, और अंदर जो मैंने बताया 3% की स्पेस है तो आप आराम से खुले होकर सो सकते हो। बिल्कुल, और मतलब उसकी रूफ भी खुल जाएगी अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप, हमने वेंटिलेशन वेंट्स भी दे रखे हैं ऊपर, वैसे एयर टाइट है, अगर लद्दाख वगैरह जाते हो ऊपर बहुत ठंड है, -12-15 डिग्री उधर भी आराम से सर्वाइव हो जाएगा। ध्रुव, एक से उस साइड भी हम जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये प्रॉपर लैडर दी गई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अपनी कार के ऊपर, आप इजिली चढ़ के जा सकते हैं। ये टेलीस्कोपिक लैडर है, ये इसके साथ ही फोल्ड होकर इसके अंदर ही चली जाती है। ओके, ये बहुत अच्छी एक जो कैंप का सेटअप किया गया उसकी, ध्रुव इसके बारे में पूछना चाहेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइट का प्रोविजन दिया गया है, ध्रुव ये बेसिकली क्या चीज है? मैम इसे 270 डिग्री ऑनिंग कहते हैं, इंडिया में तो अवेलेबल ही नहीं है, जो लोग ले रहे हैं वो बाहर से ले रहे हैं और प्राइस बहुत लाखों में जा रहा है इसका, 1-1.2 लाख इतना चला है। इसमें क्या है, आपके जो पोल्स देख रहे हो ना, ये सारे इस तरफ को फोल्ड हो जाते हैं। ओके, और बंद हो जाती है ऊपर, और आप इसके अंदर नीचे बैठ सकते हो, अब लद्दाख वगैरह जाते हो तो धूप तो कई बार बहुत तेज होती है, तो सिंपल टेंट में आपको मुश्किल रहेगा, इसमें आपको नहीं धूप आएगी, और वाटरप्रूफ है, और वाटरप्रूफ के कारण अगर पानी ज्यादा बढ़ता है ऊपर तो आप इसको ऐसे ऊपर कर सकते हो इस साइड से, इसको आपको खोलने पड़ेंगे सारे, तो ऐसे खोल दोगे एक घर वाली फीलिंग आपको प्रॉपर आने वाली है। कार के अंदर भी, तो कार के अंदर तो हम ट्रेवलिंग करते हैं आप सभी को पता है, लेकिन ऊपर आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा मिनी घर बनके तैयार हो चुका है, ये एक आउटर एरिया तैयार हो चुका है जैसे हम अपने घर में लॉन्ग। वेरी गुड कॉन्सेप्ट सर, आप एक बार आ जाइए, मैं चाहती हूँ जाते जाते जितने भी टूरिस्ट हैं जो ट्रैकिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको क्या एक प्यारा सा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि सर की तरफ से इंडिया में ये पहला कॉन्सेप्ट है जो किसी की तरफ से अभी लॉन्च नहीं किया गया, सर क्या प्यारा सा मैसेज टूरिस्ट को देना चाहेंगे? आप इसको लगाओ मजे से और भूल जाओ, कहीं पे कहीं स्टे करना है जैसे दिल करे आपको, जो आपका अच्छा व्यू हो आपको जहाँ अच्छा लगता हो, नदी किनारे चाहे आपके कोई झरने के किनारे आप लगाओ जाके, आप इंजॉय कर सकते हो, अपने होटल के रूम के पैसे बचा सकते हैं जो इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। दिस इज ए होम ऑन व्हील्स, सारा होम ऑन व्हील्स। यस यस सर, ये पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है टूरिस्ट के लिए? बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है। ध्रुव आप क्या मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स को, क्योंकि वो तो अब ट्रैकिंग को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उनको बहुत मजा आता है ट्रैकिंग में। मैम देखो, ये या तो नेचर एंजॉय कर सकते हो या होटलों में बैठ सकते हो, अगर आप नेचर एंजॉय करनी है तो ये खरीद सकते हो आप, बेस्ट आइडिया इसके लिए। थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आप देख सकते हैं होम ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट लेकर लुधियाना बेस्ड मिस्टर संदीप शर्मा एंड ध्रुव शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है।
कार के ऊपर प्रॉपर आपको टेंट सेट करके दिया जाएगा, आप खुद सेटअप कर सकते हैं और जहां भी आप जाना चाहते हैं इजीली अपनी कार में एक छोटा से घर को सेट करके कहीं भी लेके जा सकते हैं और अपनी ट्रेवलिंग को ज्यादा से ज्यादा एडवेंचरस बना सकते हैं। इस पंजाब की टीम आपको दो दिनों से मनाली की खूबसूरत वादियों की सैर करवा रही थी, लेकिन अब हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका है। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा इन हसीन वादियों को छोड़कर जाने का, लेकिन जाते जाते हमने सोचा एक बार फिर से आपको इन खूबसूरत वादियों की कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें दिखा दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्यास नदी का प्रेशर कितना ज्यादा हाई है, क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है तो ब्यास नदी प्रॉपर अपनी मस्ती में किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। एक बार मैं चाहूंगी फिर से इन हसीन वादियों को आप दिखाइए ऊपर कैमरा फोकस करके कि मनाली की जो वादियां हैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं और यहाँ के पब्लिक रिव्यूज लिए, जानने की कोशिश की कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो किस तरीके से अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब हमें भी बाय बाय मनाली को कहना पड़ेगा और लकीली आने वाले टाइम पे हम और भी ज्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशंस का सर्वे करेंगे, आगे आपको और भी खूबसूरत हिल स्टेशंस की सैर करवाएंगे। एक बार फिर से ब्यास नदी की खूबसूरत तस्वीरें देख लीजिए। टाइम आ चुका है आप सबको बाय बाय कहने का, मनाली को अलविदा करने का। हम उम्मीद करते हैं कि मनाली का ये खूबसूरत सा टूर आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और हमारे साथ साथ आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच कैमरामैन बॉबी के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।